वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज नॉट ओनली द वीकली एनालिसिस बट आल्सो द मंथली एनालिसिस, क्योंकि फरवरी मंथ खत्म हो चुका है। हम देखेंगे कि फरवरी मंथ का प्राइस एक्शन कैसे बिहेव किया है एंड ऑल्सो 26 फरवरी से 1 मार्च तक कैसे बिहेव किया। ये है आपका डॉलर इंडेक्स चार्ट, जो मंथली चार्ट फरवरी का बना है एक डोजी कैंडल, ग्रीन इन कलर बट प्राइस रिसेक्शंस ऑन बोथ द टू साइड्स, यानी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। RSI at 52.87, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये साइडवेज मूव कर रहे हैं। अगर प्राइस को देखेंगे तो ऑन द लोअर साइड 101 से 101.50 एक सपोर्ट जोन है एंड ऊपर की तरफ 107 से 107.50 का एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर में मंथली पर्सपेक्टिव नीचे की तरह मींस कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी इसको नीचे जाने के लिए मंथली कैंडल पे एक नेगेटिव कैंडल, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनना पड़ेगा जो ये सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस, जो आपका जनवरी एंड फेब जनवरी के लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दे। क्या ये मार्च में देगा या फिर अप्रैल में देगा या मई महीने में देगा? अगर इस टाइप का स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ सपोर्ट को तोड़ देते इन सच केस डॉलर इंडेक्स इज गोइंग टू डेप्रिशिएट फ्रॉम दिस लेवल्स ऑन ए मंथली पर्सपेक्टिव। अगर वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट में ये आपका एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। ये डोजी कैंडल स्मॉल बॉडी कैंडल, जो डोजी कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर में इनसाइड पर, सो प्राइस यहाँ पे और भी नैरो मूव किया है लास्ट वीक में। सो दैट बीइंग द केस, जैसे ही 19 फरवरी के रेंज को ब्रेकआउट करेगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, एक मॉडरेट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट RSI इज एट 51.19, सो ये आपका ओवरऑल साइडवेज बिहेवियर को दर्शाते हैं। यहाँ पे देखने वाला चीज है कि ये सेंटरमेंट के आसपास आके रेजिस्टेंस लिया है, सो यहाँ पे हल्का सा एक नेगेटिव बायस हम देख सकते हैं। डेली अगर चार्ट को देखेंगे तो डेली में एक रेंज शिफ्ट हमें दिख रहा है, जिसके कारण जैसे ही थर्सडे का यानी 29 फरवरी के लो को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देते हैं एंड फॉलो थ्रू देते हैं इन सच केस डॉलर इंडेक्स में हल्का सा डेली पर्सपेक्टिव में सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GBP डॉलर मंथली जो कैंडल हम देखेंगे वो है आपका एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है रेड कलर का, बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू साइड्स। दैट बीइंग द केस, ये मंथली में काफी नैरो रेंज के अंदर में चल रहे हैं। यहाँ पे देखने वाला चीज क्या है? आपका देखने वाला चीज जो आपका दिसंबर मंथ का कैंडल है उसके अंदर में इनसाइड बार इस जनवरी मंथ कैंडल एज वेल एज फरवरी मंथ कैंडल, यानी दो महीना दो मंथ ये दिसंबर मंथली कैंडल के रेंज के अंदर में ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उसके बाद उतना ही ज्यादा मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। बट एज ऑफ नाउ RSI एट 51.52, सो जब तक ये RSI अबव 60 या बिलो 40 नहीं जाते हैं, हम एक मंथली पर्सपेक्टिव में मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, जो डोजी कैंडल पिछले हफ्ते का कैंडल का अंदर में यानी इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल, सो यहाँ पे प्राइस कंस्ट्रेंट हो रहे हैं विद इन द प्रीवियस वीक कैंडल। इसका मतलब क्या है? जैसे ही 19 फरवरी के रेंज के बाहर प्राइस एक्शन जाने का प्रयास करेगा तो एक मॉडरेट मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज फार एज द RSI इज कंसर्न्ड एट 54.42, काफी टाइम से ये विद इन 40-60 में बिहेव कर रहे हैं, सो रेंज बाउंड मूवमेंट में इसको अगर फर्स्ट मोमेंटम करना है तो RSI आइदर अबव 60 जाना पड़ेगा या बिलो 40 आना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर GBP डॉलर का डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक चेंज इन पोलैरिटी, सपोर्ट लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, इट्स द इनिशियल पॉजिटिव मोमेंटम। जैसे ही आपका 27 फरवरी का हाई के ऊपर क्लोज देगा तो इट मे टेक GBP डॉलर टूवर्ड्स 1.2750 से 1.2850 की तरफ। GBP INR मंथली चार्ट को देखते हैं। GBP INR का जो मंथली चार्ट फरवरी महीने का ये एक
रेड कलर का कैंडल बियरिश कैंडल बनाया हुआ है, बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू एंड्स, यानी यहाँ पे जो अबव 60 मंथली चार्ट जाने का प्रयास किया था दिसंबर मंथ में, जनवरी एंड फरवरी में उसको निगेट कर चुका है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे प्राइस अभी थोड़ा सा मींस से साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। आरएसआई जब तक अबव 60 नहीं जाएगा, अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे, वीकली पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है व्हिच इज इनसाइड बार टू द प्रीवियस वीक का कैंडल, यानी प्राइस रेस्ट्रिक्शन कर रहा है खुद को काफी नैरो रेंज के अंदर में। जैसे ही 19 फरवरी के रेंज के बाहर जाएगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, इन सच केस एक बुलिश मॉडरेटली बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो ये चेंज इन पोलैरिटी में एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। अभी जैसे ही अब 28 फरवरी का हाई के ऊपर डेली क्लोज देगा, मे बी ऑन मंडे ट्यूजडे वेंसडे अगर देते हैं, इन सच केस एक अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 106.20 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल बी कमिंग टू यूरो डॉलर मंथली चार्ट। यूरो डॉलर जो मंथली कैंडल है वो एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, रेड कलर कलर रेड है, लेकिन प्राइस रिजेक्शन एट बोथ द टू साइड्स। दैट बीइंग द केस ये एक हेजिटेशंस का दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, यानी पार्टिसिपेंट्स आर हेजिटेंट। RSI को देखने का प्रयास करेंगे तो ये साइडवाइज बिहेव कर रहा है काफी टाइम से, फ्रॉम विद इन 40-60 रेंज में। जब तक ये आइदर 40 के ऊपर नहीं जाते या 40 के 60 के ऊपर नहीं जाते तब तक ये मोमेंटम यहाँ पे मिसिंग रहेगा। GBP यूरो डॉलर का वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो लास्ट वीक में एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है व्हिच इज अगेन इनसाइड बाय टू द प्रीवियस कैंडल। सो प्राइस को काफी नैरो रेंज में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे ही इसके रेंज के बाहर निकलेगा तो एक आउट बोथ साइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में प्राइस एक पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं, CIP सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशंस आया हुआ है। जैसे ही आपका 27 फरवरी के हाई के ऊपर डेली क्लोज देगा तो एक अपवर्ड मोमेंटम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येन INR का मंथली चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मंथली जो फरवरी मंथ का कैंडल, इट्स अ डोजी कैंडल जो एक स्मॉल बॉडी कैंडल है, प्राइस रिजेक्शन ऑन बोथ साइड्स बट मेनली ऑन द लोअर साइड, जो मेन मेजर रिजेक्शन हुआ है नीचे की तरफ हुआ है। सो अभी क्या है, RSI एट 56.3 में, RSI जब तक 40-60 में होगा, मंथली पर्सपेक्टिव में एक मींस मोमेंटम मिसिंग रहेगा। वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे, वीकली चार्ट में भी एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है जो इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल। दैट बीइंग द केस सेम एनालिसिस, 19 फरवरी वीक वाला कैंडल के रेंज को जैसे बाहर निकलेगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, उसको मॉडरेटली मोमेंटम बुलिश या बेयरिश अकॉर्डिंग टू द ब्रेकआउट उसके बाद हम देख सकते हैं। RSI 49.63, सो ये एक के ज्यादा मेजर मोमेंटम का इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। डॉलर डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यूरो INR का जो डेली चार्ट है वो यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल फ्राइडे का बनाया हुआ है एट CIP सपोर्ट लेवल। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जैसे ही आपका 28 फरवरी का हाई के ऊपर प्राइस क्लोज देगा उसके बाद एक मॉडरेटली अपवर्ड मोमेंटम टूवर्ड्स 90.50 से 91.00 की तरफ जाने का एक एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन मंथली चार्ट का। डॉलर येन का जो मंथली, इससे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है बट ये बुलिश कैंडल बनाने के बाद भी एट क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे। सो यहाँ पे आप देखोगे कि अक्टूबर महीने में प्रीवियस रेजिस्टेंस को हिट किया था, फिर नवंबर और दिसंबर में बैक टू बैक सेलिंग देखा गया, जो जनवरी महीने में एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल एंड इसका फॉलो थ्रू फरवरी में मिला। सो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है बट टेक्निकली ये जो 151 से 152 लेवल्स है, इट्स ए वेरी क्रिटिकल लेवल। क्या क्रिटिकल लेवल्स है, यहाँ पे BOJ इज नॉट कंफर्टेबल टू लेट येन टू डेप्रिशिएट बियॉन्ड दैट वन। इसके कारण हमें BOJ का और
जापान का फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट्स हम देखना पड़ेगा रेगुलर बेसिस में, ताकि क्या वो आइदर किस सॉर्ट ऑफ कमेंट्स देते हैं या एक्शंस लेते हैं। यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही देख रहे हैं कि क्या ये बीओजे का जो सब जीरो इंटरेस्ट रेट है इसको क्या हाइक करेंगे, उसके अगर इंटरेस्ट रेट हाइक का पॉसिबिलिटीज आते हैं तो येन विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। अगर हम आरएसए टर्म्स में भी इट इज अबव 60 करेंटली 63.24, सो बुलिशनेस बरकरार है। वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे, वीकली चार्ट में प्राइस जो है आपका ये एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है जो आपका 12 फरवरी का कैंडल के अंदर में इनसाइड कैंडल है, यानी 12 फरवरी के अंदर में बैक टू बैक दो वीकली कैंडल इनसाइड बार बनाया हुआ है। दैट बीइंग द केस ये 12 फरवरी वाला कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही इसका रेंज ब्रेकआउट करेगा एदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, इन सच ए केस हमें एक मोमेंटम वीकली परस्पेक्टिव में मिल सकता है। डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो डेली में आपका 29 फरवरी को आपका बीओजे के ऑफिशियल्स का एक स्टेटमेंट के बाद अच्छा खासा सेलिंग देखा गया था टुवर्ड्स 149.23, बट प्राइस कुडंट सस्टेन एट द लोअर लेवल, रेदर क्लोज्ड हायर बैक टू 149.97, एंड फ्राइडे के दिन में ये थोड़ा सा मूवमेंट किया, ट्रेडेड हाई ऑफ 150.06 150.71 बट कुडंट सस्टेन ऑन द हायर साइड एंड क्लोज्ड एट 149.91। दैट बीइंग द केस ये जो आपका 29 फरवरी का कैंडल का रेंज है इट्स एन इंपॉर्टेंट रेंज। जैसे ही इस रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा और मींस आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, पॉसिबली ऑन द लोअर साइड सब्जेक्ट टू द कमेंट्स आइदर फ्रॉम द जापान फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री और फ्रॉम बीओजे ऑफिशियल्स, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आते हैं हमारा जेपीवाई आईएनआर का मंथली कैंडल। जेपीवाई आईएनआर का जो मंथली कैंडल है इट्स ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। ये जो नेगेटिव कैंडल है मीन्स काफी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इसका करेंटली अब ये कहाँ पे रुके हुए, करेंटली ये स्टेक कर रहे हैं प्रीवियस डबल बॉटम जोन पे। नाउ करेंटली इट इज द अगेन वंस अगेन इट इज ट्राइंग, सो ये जोन पे सपोर्ट लेने का पॉसिबिलिटीज है। अगर आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई आपका कहाँ पे है, आरएसआई है आपका 40 पे, सो यहाँ पे रेंज शिफ्ट काफी टाइम से करने का प्रयास कर रहे हैं। मंथली पर्सपेक्टिव में रेंज शिफ्ट यानी कंसोलिडेट करके ग्रेजुअली ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे एक बेस आउट करने का पॉसिबिलिटीज है। ये मंथली पर्सपेक्टिव में स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब इस जोन को ब्रेकआउट करेंगे। इस जोन को मंथली पर्सपेक्टिव में अगर ब्रेकआउट करेंगे तो एक येन आईएनआर पे रियली ग्रेट अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। बट ये मंथली पर्सपेक्टिव है तो ये 2-5-10 दिन में नहीं होने वाला है, मे बी 6 मंथ्स मे बी 12 मंथ्स का एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ हमें इसको देखना पड़ेगा। अभी आते हैं आपका वीकली येन आईएनआर का चार्ट। वीकली जो चार्ट है वो आपका क्या बता रहा है, इसमें हमें देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा नेट का स्पीड कम है जिसके कारण चार्ट अपलोड नहीं हो रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा आ गया है। सो वीकली जो कैंडल बनाया हुआ है, ऑल्दो ग्रीन इन कलर, इसका जो कलर है ग्रीन है, लेकिन ये प्राइस रिजेक्शंस एट द हायर एंड्स, थेरबाय इसका जो एक्शन है इट्स अ न्यूट्रल एक्शन, लेकिन डबल बटन सपोर्ट एरिया पे है। यहाँ पे अगर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न्स मिलते हैं तो ग्रेजुअली लॉन्ग बिल्डअप के लिए हम देख सकते हैं। डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे, डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे वही बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। जब तक आपका प्राइस इस टाइप का डबल रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तब तक बाइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी परस्पेक्टिव में। अगर डॉलर कैंडी मंथली चार्ट को देखेंगे, आपका तो डॉलर कैंडी का जो मंथली चार्ट आएगा वहां पे आपका आएगा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल,
यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर में एक आपको दिया, रेजिस्टेंस एरिया पे आने के बाद नवंबर दिसंबर में सेलिंग देखा, नीचे की तरफ बॉटम आउट किया, फिर जनवरी एंड फरवरी में दोबारा बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहे हैं। सो दैट बीइंग द केस यहाँ पे दो रेंज हमें मिल रहे हैं, एक रेंज है आपका यहाँ पे विच इज 1.39 और नीचे की तरफ आपका ऑलरेडी ये जोन जो है 1.31। मंथली पर्सपेक्टिव में ये जोन के अंदर में प्राइस अटके हुए हैं। सो आरएसआई आल्सो साइडवाइज एट 54.26। सो यहाँ पे साइडवाइज बिहेवियर जब तक मंथली पर्सपेक्टिव में इसके बाहर नहीं आते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा या छोटा रेंज में खेल सकते हैं। वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल एट टिपिकल रेजिस्टेंस, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नहीं हो रहा है। जब तक इसके इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं जाते तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। डेली चार्ट को देखेंगे तो डेली एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अभी हमें देखना है कि ये इस रेजिस्टेंस को क्लियर करके ऊपर की तरफ मार्च करते हैं या दोबारा इसी रेंज के अंदर में चले आते हैं। $80 मंथली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, तो मंथली चार्ट में ये आपका एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है और RSI लेकिन थोड़ा सा हायर लो बना रहे हैं। सो यहाँ पे बेसिकली एक बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर तभी होगा जब ये 0.69 का ब्रेकआउट करेगा मंथली पर्सपेक्टिव में एंड 0.7150 को ब्रेकआउट करेगा ऊपर के तरफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तभी जाके कुछ एक पॉजिटिविटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया मंथली में। सो यहाँ पे एक रेंज है, रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा। CNH जो मंथली हम इसको देखेंगे, मंथली में एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, यहाँ पे PBOC लगे हुए हैं अपना इकोनॉमी को सुधारने के लिए। इसके कारण रिसेंटली एक इंटरेस्ट रेट कट भी किया है ताकि मॉर्गेज प्रॉपर्टी मॉर्गेज मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले, लेकिन जब तक मार्केट में एक्चुअल एक्शन हमें नहीं मिलते तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। प्राइस एक स्मॉल बॉडी कैंडल है लेकिन एक रेंज के अंदर में, रेंज को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही चीज है क्या हमें देखना है मंथली पर्सपेक्टिव में, RSI की 60 को रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं, इन सच ए केस इकोनॉमी इज रिवाइविंग, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं देन अगेन चाइनीज इकोनॉमी इज इन डॉल्ड्रम। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट, जो मंथली चार्ट हम देखेंगे तो उसमें जो मंथली 83.10 पे क्लोज दिया हुआ है, मंथली चार्ट में आपका ये एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल या आप हैमर भी बोल सकते हैं, लेकिन यानी ये हैमर का जो कैंडल है नीचे की तरफ ज्यादा रिजेक्शन से ऊपर की तरफ कम रिजेक्शन से, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि हल्का सा बुलिश इन नेचर। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये आपका मई महीने में एक लो बनाया था 71.7150 मई 2023 को, जो दोबारा दिसंबर में टेस्ट करने का प्रयास किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया एंड दोबारा ऊपर चला गया। एंड ऊपर की तरफ आपका सितंबर में एक हाई क्लोज दिया था 90-50 के आसपास, उसके बाद नेगेटिविटी आया था। सो एक जोन बन चुका है, इस जोन से बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीकली अगर हम देखेंगे, वीकली में प्राइस जो है एक रेंज में अटके हुए, कौन सा रेंज है आप देखोगे ये वाला रेंज, इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा प्राइस को, तब जाके एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉसिबली ऑन द हायर साइड। अभी US 10-year treasury अगर हम मंथली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस को आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका मई 2023 से मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक एक अपवर्ड रैली देखा गया, जो नवंबर में नेगेटिव कैंडल के साथ देखा गया एंड कंटिन्यूशन एंड फॉलो थ्रू देखा गया दिसंबर में, लेकिन जनवरी में एक न्यूट्रल कैंडल एंड फरवरी में एक स्ट्रांग पॉजिटिव कैंडल। स्ट्रांग पॉजिटिव कैंडल है लेकिन एक टिपिकल ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वहां पे, अभी आने वाले दिनों में यानी मार्च या अप्रैल का अगर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल इस टाइप का देखते हैं जो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं,
इन सच ए केस द गेम इज ओवर, यानी यूएस 10-year ट्रेजरी इज गोइंग टू फॉल फर्दर अगर इस टाइप का कुछ एक्टिविटी हमें मिलता है। क्या ये मार्च के मंथ में इस टाइप का कैंडल देगा या अप्रैल में देगा या मई में देगा, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। दिस इज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव। और वन मोर पर्सपेक्टिव इज योर रेंज शिफ्ट। रेंज शिफ्ट ऑन ए मंथली पर्सपेक्टिव वो बहुत ही खतरनाक। अभी ये इनिशियल डेज है और डेज ऑफ मार्च मंथ है, तो मार्च का महीना जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर ये मार्च महीने में हल्का सा भी नेगेटिव कैंडल देते हैं जो आपका मैं भी 4.00 के नीचे क्लोज देते हैं, इन सच ए केस यहाँ पे जो आपका रेंज शिफ्ट है ये कंफर्म हो जाएगा। ये दैट इन सच ए केस आने वाले महीनों में रेट कट होने वाला है। सो ये कोई नया एनालिसिस नहीं है, सब जानते हैं। मार्च में नहीं तो अप्रैल में, नहीं तो मई में, नहीं तो जून में, मीन्स एवरी मंथ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर मीन्स कॉमेंटिंग फॉर द रेट कट जो आने वाले है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद। यहाँ पे टेक्निकल वे पे क्या बोल रहे हैं, मार्च महीने में अगर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल देते हैं एंड रेंज शिफ्ट होते हैं तो इस नेगेटिव। दूसरा वाला मार्च अप्रैल या मई में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल जो इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, इन सच केस सेल्स, यानी इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली बेचो, ऑप्टिक्स में बेचने का प्रोबेबिलिटीज हमें देखना है। अगर हम वीकली का चार्ट को देखेंगे, वीकली जो यूएस 10-year ट्रेजरी है वो आपका यहाँ पर भी सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहे हैं। दैट बीइंग द केस, कीपिंग ये जो 12 फरवरी वाला वीक का हाई उसको एज ए स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आना चाहिए टू टेस्ट 3.80 से 3.90 के बीच। ये अगर कैंडल 4.37 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देते हैं तो ये एनालिसिस निगेट करेगा। यूएस 2-year ट्रेजरी जो मंथली चार्ट में हम देखेंगे, मंथली चार्ट में क्या हो रहा है आपका, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा इंटरनेट काफी स्लो है। सो मंथली आपका जो 2-year ट्रेजरी है यहाँ पे आप देखोगे नवंबर एंड दिसंबर में स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है, जनवरी में पॉज कैंडल, फरवरी में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अभी व्हाट नेक्स्ट, अगर मार्च का नेगेटिव कैंडल बन जाते हैं एंड अलोंग विद इट सो आरएसआई भी 60 के नीचे आ जाते हैं, सो रेंज शिफ्ट ऑल्सो। जैसे हमने 10-year ट्रेजरी का एक एक्सपेक्टेशन किया था, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आते हैं जो आपका इस टाइप का कैंडल बनाते हैं, इस टाइप का नेगेटिव कैंडल, वो चाहे मार्च में बनाए या अप्रैल में बनाए या मई महीने में बनाए, तो ये सील होंगे, यानी 2-year ट्रेजरी भी नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है। सो हमें इसका इंतजार करना पड़ेगा। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डॉलर रुपी चार्ट। डॉलर रुपी अभी क्रेज काफी कम हो चुका है, मंथली पर्सपेक्टिव में बहुत ही आपका ये हो रहा है, आपका क्या बोलते हैं इसको, नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं प्राइस एक्शंस, जिसके कारण ट्रेडर्स आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं एंड इट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव टू द ट्रेडर्स, डॉलर रुपी ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि प्राइस को देखने का प्रयास करेंगे मंथली जो है ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद स्मॉल बॉडी कैंडल्स, तो हल्का सा नेगेटिविटी है, यानी काफी इनफ्लोज आर रेगुलरली हिटिंग द मार्केट। वीकली के चार्ट में अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो वीकली में आपका ये साइडवेज टू नेगेटिव कैंडल हो रहा है बट नॉट पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में, सो यहाँ पर भी ग्रेजुअली नेगेटिविटी आ रहे हैं। अगर हम डेली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो डेली में क्या हो रहा है, जो टिपिकल है, टिपिकल यही है, कंटिन्यूअसली लोअर हाइज बना रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि सेलर्स आर कमिंग फॉरवर्ड एंड डिफेंड एंड स्टार्ट्स सेलिंग देयर लेवल्स, जिसके कारण आपका ये जो हाइज जो है धीरे धीरे कम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये हाइज जो नीचे की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं और द सपोर्ट रिमेन्स एट 82.80 लेवल पे, सो प्राइस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है खुद को,
ये जो हम बता रहे थे हाइज, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यानी लोज आर हाइज आर कमिंग डाउन, हाउ इज द लो रिमेंस द सेम। सो प्राइस यहाँ पे सुपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट बीइंग द केस ये स्क्वीज के बाद इसको ब्लास्ट होता है। लेकिन ब्लास्ट होने के लिए अगर ये नॉर्मल चार्ट होता जहां पे कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन नहीं होता तो ये नीचे की तरफ आ जाते। लेकिन इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रॉन्गली डिफेंडिंग द लेवल 82.80। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में भी दे विल कीप ऑन डिफेंडिंग, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं कि इस लेवल को डिफेंड करना है या उस लेवल को डिफेंड करना है। दे विल फ्रॉम टाइम टू टाइम दे विल जज कौन सा लेवल के कौन सा रेंज में डॉलर रुपी को थोड़ा सा मैन्यूवर करना है। सो यहाँ पे हमें दो थ्योरीज है, एक थ्योरी है दे विल कीप ऑन डिफेंडिंग द 82.75 से 82.80 लेवल। इन सच केस रुपी जो है और मींस वही 82.75-80 ऑन द लोअर साइड एंड 83-83.15 ऑन द हायर साइड उसी रेंज में रह जाएगा। सेकंड थ्योरी यही है कि दे विल टेक अ पॉज टू सी हाउ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर बिहेविंग। इन सच केस एक शार्प डाउनवर्ड मूव एक इंतजार हो सकते हैं जो डॉलर रुपी को 82.40 से 82.60 की तरफ लेके जा सकते हैं। उस लेवल में दोबारा दे में मींस रिन्यू देयर व्यूज क्या लेवल को डिफेंड करना है या नहीं करना है। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई मार्केट में हिट कर रहे हैं अलोंग विद इनविजिबल हैंड्स डिफेंडिंग द लेवल। दो फैक्टर्स यहाँ पे एक साइमल्टेनियसली काट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसके कारण प्राइस काफी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अभी हमें इंतजार है कौन सा साइड को फोड़ने का या तोड़ने का। एक बार अगर फोड़ देते हैं तो उसके बाद ट्रेडर्स का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफी कम हो जाएगा। As of now, it becomes less attractive for the dollar rupee traders to take some positional views. So currency weekly analysis abhi ke liye itna hi aasha karta hu. Ye presentation aap sabko acha laga hoga. If so, like kijiye, comment kijiye, share kijiye. Thank you and have a nice week ahead. Bye bye.